आई एम खुशी तो ऑब्वियसली बहुत हो रही है क्योंकि टॉप करना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है. नहीं, डिसेंट रैंक आ जाएगी, डिसेंट पोस्ट मिल जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन थी. टॉप करना, पहले तो डिसबिलीफ हुआ, फिर ऐसे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है क्या. क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद समझ में आया कि हाँ ठीक है, मैंने टॉप किया है. आज मेरे वजह से पूरा मेरा मोहल्ला खुश है, तो ऑब्वियसली वो फीलिंग तो अपने आप में बहुत बड़ी होती है. हर कोई सोशल मीडिया आजकल यूज़ कर रहा है. प्रियांगी सोशल मीडिया यूज़ करती है. UPSC BPSC के बीच जगल करना, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी सोशल मीडिया. वो इंटरनली आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, पेरेंट्स के तरफ से थोपा गया है, तो वो तो एक नॉर्मल वे है. अगर पेरेंट्स ने इम्पोज किया, ज़बरदस्ती करवा रहे हो, तो डिप्रेशन आज ना कल वो तो होना ही है. क्योंकि नो मैटर वेयर आई गो, आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ माई बिहारी, यू नो, बिहारी आइडेंटिटी. नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया. तो आज बिहार के लिए बहुत ही गौरव का दिन है क्योंकि BPSC मेंस का रिजल्ट सामने आया है और ऐसे में जो लड़कियाँ हैं उन्होंने एक बार फिर से बाजी मारी है. और इस वक्त हमारे साथ BPSC 68वीं की टॉपर प्रियांगी मेहता मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते कितनी खुशी हो रही है प्रियांगी, ये बताइए. मैम, खुशी तो ऑब्वियसली बहुत हो रही है क्योंकि टॉप करना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है. बट हाँ, ग्रेजुअली ठीक है, ग्रेजुअली जब एक्सेप्टेंस आ रही है कि हाँ टॉप कर लिया, तो धीरे धीरे अब वो जो यूफोरिया होता है वो अब हाँ फेड आउट हो रहा है. भावुक भी दिख रही हैं चेहरे पे, खुशी तो है ही साथ साथ भावुक भी दिख रही है. एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद थी कि हाँ टॉप कर जाएंगे? नहीं, डिसेंट रैंक आ जाएगी, डिसेंट पोस्ट मिल जाएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन थी. टॉप करना एकदम अनएक्सपेक्टेड था. जब पता चला कि टॉप किया है आपने, तब कैसा रिएक्शन था आपका? पहले तो डिसबिलीफ हुआ, फिर ऐसे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है क्या. फिर धीरे धीरे, मतलब एक दो घंटे हो गए और लोगों की कॉल्स आए, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद समझ में आया कि हाँ ठीक है, मैंने टॉप किया है. अच्छा, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे. सातवें आसमान पे तो मैं कहूँगी खुश थे बहुत. सब लोग खुश थे, सिर्फ मेरे घर वाले नहीं, पूरे मोहल्ले वाले खुश थे. मतलब आपने इतना बड़ा परिवार नहीं देखा होगा. तो अच्छा ठीक है, अब तो टॉप कर लिया है, फिर आगे अब क्या करने वाली हैं, कौन सा डिपार्टमेंट चूज करेंगी? हाँ, मैंने तो रेवेन्यू ऑफिसर चूज़ किया है, तो अभी ट्रेनिंग में मेबी 3-4 महीना का टाइम होगा ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग में. ठीक है, तो इस पर भी बात करते हैं किस तरीके से आपने तैयारी की, क्योंकि कई लोग हैं जो कि BPSC की तैयारी करते हैं, UPSC की, लाखों लाख बच्चे हर साल तैयारी करते हैं. तो आप टॉपर हैं और अब इंस्पिरेशन भी हैं सभी लोगों के लिए, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं. तो किस तरीके से तैयारियाँ की हैं? शुरू से ही एम था कि BPSC करना है, और कितने घंटे पढ़ाई करती थी? जैसा कि मैंने बोला कि मेरी जो प्रिपरेशन थी वो बहुत लंबी, बहुत स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस था. 11-12 मतलब वो फाउंडेशन में धीरे धीरे बिल्ड करती गई, और जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया तो फाइनल टच जो होता है प्रिपरेशन को, मैंने वो दिया था. उसके अलावा कितने घंटे, तो घंटे तो ऐसे मैंने कभी काउंट नहीं किया. किसी दिन बिल्कुल मन नहीं होता, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती. किसी दिन मन होता ज़्यादा पढ़ लूँ, तो मूड एक साइकिल होता है ना, तो मैं ज़बरदस्ती खुद को फोर्स नहीं करती थी पढ़ने के लिए. फिर भी कितने आवर्स दिन भर में, कितने आवर्स? एवरेज मैक्सिमम 5-6, नॉट मोर देन दैट. 5-6 आवर्स पढ़ाई करती थी. अच्छा, अब एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, किस तरीके से खड़ी उतरेंगी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा उस चीज़ में एडजस्ट करने में, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि सडनली नो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मेरे ऊपर. मे बी आई फील लाइक कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगी. अभी तक मे बी किया है चीज़ों को, तो आगे भी संभाल लूँगी. क्या लगता है आगे जो भी बच्चे तैयारियां करते हैं बहुत जल्दी, वो लोग आप देखेंगे कि बहुत मायूस हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं. उनको चाहिए आजकल के समय में कि सब चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं होता है. पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, तो वही कंटेंटमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है. सी, वो जो पीस ऑफ माइंड होता है वो मटेरियल चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता. यू नो, इवन व्हेन यू हैव एवरीथिंग, हो सकता है आप खुश नहीं हो, तो ये जो एग्ज़ाम है इस पर पूरी खुशी डिपेंड करा देना कि ये एग्ज़ाम होगा तो मैं खुश होंगी, नहीं होगा तो नहीं. क्योंकि लाइफ में बहुत छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, डूइंग योर हॉबीज़. तो अपनी खुशी को किसी एक चीज़ पर टिका के रखना इज़ एब्सोल्युटली फूलिशनेस, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? मतलब फैमिली जो थी एक शॉक एब्जर्वर की तरह थी. जब भी इमोशनल टर्मोइल हुआ उन्होंने संभाला, उन्होंने हिम्मत दी. जब भी मैं कमज़ोर पड़ी तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था. अच्छा, अभी हम देख रहे हैं आपके घर पर भी लोगों की भीड़ लगी है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, घर वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं. कैसा लग रहा है, उन्हें कैसी फीलिंग आ रही है इस वक्त?
मैम वो लोग बहुत खुश हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड है, बहुत लोग इमोशनल हो गए हैं कि हाँ हमारी बेटी ने किया। तो जब लोग ऐसे कहते हैं हमारी बेटी, तो ऑब्वियसली आपको खुशी भी होती है, आपको गर्व भी होता है, तो दोनों मिक्स्ड फीलिंग है। काफ़ी भावुक लग रही हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब बड़े बूढ़े आते हैं आपको गले लगाते हैं, इतने खुश होते हैं, तो आपको लगता है आपने उनको एक मौका दिया खुश होने का, और आज मेरे वजह से पूरा मेरा मोहल्ला खुश है, तो ऑब्वियसली वो फीलिंग तो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। हम भी जब यहाँ पर आ रहे थे तो हमने आगे में ही पूछा कि टॉपर का घर कहाँ पर है, उन्होंने पूरी तरीके से रास्ता बता दिया कि हाँ टॉपर का। हाँ वही हमारी लोकेलिटी की सबसे अच्छी चीज़ है कि वी आर लाइक अ फैमिली, हमारे यहाँ सब एक दूसरे को फेस से जानते हैं, वी आर वेरी कोऑपरेटिव, पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव। मतलब जनरली जो सिटीज़ में होता है आइसोलेटेड फैमिलीज एक दूसरे से, मतलब नहीं ऐसा नहीं है हमारा, इट्स लाइक अ विलेज यू नो, यहाँ का सोशल रिलेशंस विलेज जैसा है बिल्कुल। ये पूछना चाहेंगे सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, हर कोई सोशल मीडिया आजकल यूज़ कर रहा है, प्रियांगी सोशल मीडिया यूज़ करती है? अभी तो एग्ज़ाम्स के वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि ऑब्वियसली यूपीएससी बीपीएससी के बीच जगल करना, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी सोशल मीडिया पे मैं अकाउंट बनाऊँ फिर मैं उसको ऑपरेट करूँ, तो किसी भी सोशल मीडिया नहीं। और जो बच्चे ज़्यादातर अपना समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि इट्स योर लाइफ, सी इफ इट इज़ हेल्पिंग यू इन अ पॉजिटिव वे यू कैन डू इट, इफ इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू देन इट्स टाइम टू रिकन्सिडर यू नो व्हाट यू आर डूइंग। सो अल्टीमेटली इट्स इंडिविजुअल चॉइस ना, मेरी तो सुनेंगे नहीं वो। अच्छा ठीक है, हॉबी क्या क्या है आपकी? मेरी हॉबी जैसे कि मेरे को बात करना, आई जस्ट लव टू टॉक पीपल अबाउट देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस, मुझे लगता है कि लोग मेरे साथ बहुत जल्दी ओपन अप हो जाते हैं, शेयरिंग देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस ट्रॉमास एवरीथिंग। और आई ऑल्सो लव कुकिंग, देन आई लव पेपर क्राफ्ट्स, आई एम ऑल्सो इंक्लाइन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, देन रिलीजन, बहुत सारी हॉबीज हैं मेरी। तो अच्छा एक चीज़ और अब आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि अब आप टॉपर बन चुकी हैं, कई बच्चे इस रेस में शामिल हैं कि उन्हें टॉप करना है, प्रेशर होता है उनको, सोसाइटी का प्रेशर होता है, पेरेंट्स कई बार जो हैं वो प्रेशर करते हैं कि नहीं आपको यूपीएससी क्लियर करना है, बीपीएससी क्लियर करना है, कई बार वो हार मान जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है और थक करके वो बहुत अलग अलग रास्ते चूज़ करते हैं, कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो प्रेशर में आके की हुई कोई भी चीज़ सही नहीं होती, लॉन्ग टर्म में वो चीज़ आप नहीं कर सकते, इनफैक्ट मे भी आप क्लियर कर लो, बट जो सर्विस की कंडीशन इतनी रिग्रेस होती है कि अल्टीमेटली आप उससे सकम कर जाओगे, अगर वो इंटरनली आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, पेरेंट्स के तरफ से थोपा गया है, तो वो तो एक नॉर्मल वे है, अगर पेरेंट्स ने इम्पोज़ किया ज़बरदस्ती करवा रहे हो तो डिप्रेशन आज ना कल वो तो होना ही है, क्योंकि जब आप खुद से कोई रास्ता चुनते हो आप उसमें फ़ेल भी कर जाते हो ना, तो यू हैव दैट फीलिंग कि मैंने खुद से चुना, तो स्टिल यू वोंट गेट डिप्रेस्ड आई गेस, बट किसी का थोपा हुआ डिसीजन जो होता है ना, जब यू हैव कम्प्लीटली लॉस्ट कंट्रोल, वो फीलिंग बहुत बेकार होती है, तो मे बी वो फील करते होंगे उस वक्त। अच्छा यू आर गोइंग टू बिकम नाउ रेवेन्यू ऑफिसर, तो किस तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अब आप खरी उतरने वाली हैं, ये आखिरी सवाल। जी मैम, जैसे कि मैंने बोला रेवेन्यू ऑफिसर, लोगों को लगता है कि क्या ही पोस्ट है, इसमें क्या ही काम है, लेकिन हमारा बिहार का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसकी फाउंडेशन ही होती है रेवेन्यू एंड टैक्सेशन, यू नो, सो इफ़ दैट इज़ फ्लॉलेस, इफ़ दैट इज़ एफिशिएंट, ओनली देन वी कैन इंश्योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन आर स्टेट। तो वंस आई गेट इनटू द सर्विस आई विल गेट टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड मे बी आई विल अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ना, आई कैन सजेस्ट थिंग्स एंड सो आई विल ट्राई टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन द फर्दर फिस्कल कंसोलिडेशन एंड यू नो फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। एक और सवाल आपसे कर लेते हैं, बिहार को अलग नज़रों से देखा जाता है, बाहर के अगर सिटीज़ में जाएंगे तो दिल्ली मुंबई अगर जाते हैं तो बिहार को लेकर के मजाक भी बनाया जाता है, अलग तरह की बातें भी की जाती हैं, तो आप अगर बाहर जाते हैं तो किस तरीके से बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो बिहार वाले ही होते हैं और बिहार का मजाक? सी डेफिनेटली, तो मैं उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं कर सकती, इफ़ दे आर नॉट प्राउड ऑफ देयर कल्चर, इफ़ दे आर नॉट प्राउड ऑफ फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू, तो आई डेफिनेटली कैन नॉट डू एनीथिंग, बट हाँ मैं नो मैटर वेयर आई गो आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ माई बिहारी, यू नो बिहारी आइडेंटिटी, बट सी बिहारी आइडेंटिटी इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर इंडियन आइडेंटिटी, सो आई एम एन इंडियन फर्स्ट एंड देन बिहारी लेटर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, यू नो, सो आई विल डेफिनेटली यू नो I will not leave this identity of mine, even if I am an IAS officer. अब आगे की आप की क्या तैयारी है? हाँ अभी तो UPSC की इंटरव्यू मेरी शेड्यूल्ड है, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो या
तो देखिए बीपीएससी टॉपर प्रियांगी मेहता हमारे साथ थी, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की और कितनी चीजें उनके रास्ते में आई, इसके बाद भी प्रियांगी लगातार प्रयास करती रही और आज वो बीपीएससी टॉपर बन चुकी हैं। बीपीएससी और सठवीं का रिजल्ट सामने आया है और ऐसे में इनसे बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ उनका कहना था वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।